आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इब्राहिम वल्क के बादशाह थे। संसारिक विषय भोगों से उबर कर वे फकीरों का सत्संग करने लगे। बियावान जंगल में बैठकर उन्होंने साधना की। एक दिन उन्हें किसी फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी, मौत आकर तुझे झकझोरे, इससे पहले ही जाग जा, अपने को जान ले कि तू कौन है और इस संसार में क्यों आया है। यह आवाज़ सुनते ही संत इब्राहिम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें लगा कि बादशाहत के दौरान अपने को बड़ा मानकर उन्होंने बहुत गुनाह किया है। वे ईश्वर से उन गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। एक दिन वे राजपाट त्याग कर चले गए चल दिए। निशापुर की गुफा में एकांत साधना कर उन्होंने काम क्रोध लोभ आदि आंतरिक दुश्मनों पर विजय पाई। वे हज यात्रा पर भी गए और मक्का में भी पहुँचे हुए फकीरों का सत्संग करते रहे। एक दिन वे किसी नगर में जा रहे थे कि चौकीदार ने पूछा, तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया, गुलाम। उस चौकीदार ने फिर पूछा, तू कहाँ रहता है? तो इस बार जवाब मिला, कब्रिस्तान में। सिपाही ने उन्हें मस्खरा समझकर कोड़े लगा दिए, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वे पहुँचे हुए संत इब्राहिम हैं, तो वह उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। संत ने कहा, इसमें आखिर क्षमा मांगने की क्या बात है? तूने ऐसे शरीर को कोड़े लगाए हैं जिनसे बहुत बरसों तक गुनाह किए हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, सारे मनुष्य खुदा के गुलाम हैं और गुलामों का अंतिम घर कब्रिस्तान ही होता है। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हमसे कोई गलती होती है एंड बाद में हमें उसका कुछ परिणाम मिलता है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए एंड आगे से हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो गलती रिपीट ना हो। थैंक यू।